हम अल्हमरा पहुंच गए हैं और अभी हम एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस है नीचे, साथ ही जुड़ा हुआ। और ये एक रेस्टोरेंट है, इसको बहुत मशहूर होटल भी इसके साथ, अल्हमरा पैलेस। तो यहाँ से एंट्री है, लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हमरा तो आ गए। बहुत बड़ी जगह है, मेरे ख्याल में कोई 3-4 घंटे शायद ज़्यादा ही लग जाएंगे आज। आज बहुत पैदल चलेंगे, बट बहुत हिस्ट्री है सुल्तान्स की, किंग्स की, एम्परर्स की। कभी सुल्तान, कभी एम्परर, कभी किंग, से पूरे शहर का आपको नज़ारा भी नज़र आता है। हमें शायद वहाँ नारसिद पैलेस जाना है, 11 बजे का टाइम है, तो कुछ आसपास ही रहना है क्योंकि 11 बजे के बाद फिर वो एंटर नहीं होने देते। एनीवेज, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। They have beautiful fountain here. अच्छा, ये सारा जंगल या बाहिचा कहलाता है। They call it general life, कह लें कि पार्क और जंगल और बागात, अल्हमरा के बागात मशहूर थे ना, उर्दू में इस तरह कहेंगे। इट्स ऑल नेचुरल अपने ज़माने का, कुछ चीज़ें उन्होंने शायद अभी इधर ग्रो की हों, कोई फूल बत्तियाँ, बट एम्परर्स ने, जो हमारे सुल्तान हमारे खलीफा गुजरे हैं, उन्होंने इस जगह को ऐसे ही सजाया था, ऐसा नहीं था ये जगह अभी बनी। कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आपको अल्हमरा की पूरी तारीख बताऊं। जिस तरह से बना हुआ है और जिस तरह से ये लोग इसे मैनेज कर रहे हैं, इसमें आपके पास पूरा एक समझ लें गाइडलाइन होती है कि आप यहाँ एंटर हों, अब यहाँ से एंटर हों, यहाँ से एग्ज़िट हों। वॉशरूम्स, अगर कोई यहाँ आए तो ये एंट्रेंस के बाद फाउंटेन लगा है, इधर हैं वॉशरूम्स।
किसी ज़माने में ये किले की दीवारें थीं। हज़ार साल गुजरने के बावजूद भी आज भी इनकी मजबूती देखी जा सकती है। आज भी वैसे ही मजबूत है। अगर अफसोस बनाने वाले ना रहे और एक दफ़ा एक दिन अपने वक्त पे हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। पूरी दुनिया से जैसे कि मैं भी आया हूँ देखने के लिए। अब हमें जाना है सामने नारसित पैलेस। ख्याल में हमारा टाइम हो चुका है। सी यू देयर। इन्जॉय द स्टनिंग व्यूज ऑफ अलहमरा। ओके, दिस इज द एरिया विच वी कैन से के अभी तक ये ओरिजिनल इस पर कोई काम नहीं हुआ हो, शायद दरवाज़ा वगैरह लगाओ, लेकिन ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये एरिया ओरिजिनल है। ओके, फाइनली वी आर एट नारसित पैलेस। अगेन द सेम हिस्ट्री। मोहम्मद बिन अल हमर वॉज द फर्स्ट किंग जो यहाँ पे मूव हुआ था, और अल कस्बा के नाम से ही पूरा शहर बसा, फिर बना और गनाता हुआ। स्टिल अभी भी देखें काम चल रहा है इस पर, इसको निकालने अंदर से दीवारें। इफ यू कैन सी और फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी डेवलपमेंट शुरू हुई। También se ven las coronas. Llama un poco la atención que esto está un poco raro, ¿no? Toma un poco la sensación de que ese escudo antes estaba ahí. Pero claro, hay una puerta. Ahora explico este misterio. La verdad es que la gente está haciendo resumen. Luego también nos encontramos otro
los cristianos, estas cuatro ventanas que tenemos aquí rectangulares también son de la iglesia. Thank you.
solo. ये है अल कस्बा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था जो कि आपके मुसलमान खलीफा मोहम्मद वन जिसे कहते हैं, उन्होंने आके यहाँ तामीर कराया था। और जो हम पीछे छोड़ के आए हैं जगह, वहाँ मस्जिद थी जो कि इन्होंने बाद में वो ये अपने चर्च में कन्वर्ट कर दी थी और क्लोज कर दी। सो दिस इज अल कस्बा।
Princess Bernadette Bernadotte de Meer. Beautiful view of Alhambra Palace and the Granada city. Today is forecast for rain, and today we are leaving to Venice, Italy. So, Granada, बहुत सारी यादें, मोहब्बतें शहर के साथ रह जाएंगी, अपनी मुस्लिम उम्मत की निशानियाँ, अल्लाह की दी हुई खूबसूरती सब याद रहेगा, और दोबारा भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी, हिम्मत दी, अपने दोस्तों के साथ भी तशरीफ लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं इंशाल्लाह विनाइस इटली में। अल्हम्दुलिल्लाह, आसानी से वापसी है इंशाल्लाह। होटल से सामान उठा के सीधा बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर बाकी हवाल रात तक दिन तक रहेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बजे बस है हमारी, बारिश भी हो रही है ना, तो हम यहाँ पे आ गए हैं ग्रेनाडा के ऑटो बस स्टेशन पे। ये ग्रेनाडा का बस स्टेशन है, एक ही बस स्टेशन है, और यानी जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए होता है। लेट्स सी हमारी बस कहाँ शेड्यूल होगी। सो मैड्रिड की डबल डेकर बस में आ गए हैं हम, अपनी सीट नंबर अभी तलाश करना है, देखते हैं कहाँ है। तो जी, हम हैं इस वक्त मैड्रिड बर्जास एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पे, मंजिल हमारी टर्मिनल 1 है, क्योंकि फ्लाइट वहीं से ही है। अभी रवा दवाएँ देखते हैं कि क्या मामला कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, और जब खुद से कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें ये भी होता है कि यार गलत भी हो रहा है, दोबारा से ना हो जाए। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, और मैं इन इशारों पे ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ फिलहाल। ये वो ग्रीन बस है जो T4 से वहाँ ट्रांसिट देती है, देखें जाते हैं उसकी तरफ और टर्मिनल 1 पहुँचने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल 1 के लिए जो बस मिलनी थी वहाँ बस में बैठ गए हैं, एक बस चली गई थी आते, दूसरी बस बिल्कुल रेडी है, और फ्री सर्विस है ये, बहुत अच्छी सर्विस है। मैं ग्रेनाडा से बस स्टेशन
बस स्टेशन से मुझे बस ने डायरेक्ट एयरपोर्ट उतारा। एयरपोर्ट उतारने के बाद अंदर टर्मिनल में थोड़ी वॉक की और इंटर कनेक्टिंग जो टर्मिनल्स को ट्रांजिट में कनेक्ट करती है ये फ्री बस सर्विस यहाँ से चलती है। और ये अलहमदिल्ला हम आ गए आसानी से और बैठ भी गए। तो चीज़ों पे अगेन कहीं भी पाकिस्तान से बाहर जाएं क्योंकि हमारे पास तो सहूलतें नहीं हैं, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इन चीज़ों को, हमने देखी ही नहीं ये चीज़ें, तो बहुत अजीब सा महसूस होता है और बहुत एक फियर होता है कि यार ये गलत ना हो जाए, मैं गलत जगह पहुंचना जाऊं, मेरी ज़बान कोई नहीं जानता, मुझे कोई जवाब दे रहा तो समझ में नहीं आ रहा। मगर ये जो साइंस और जगह जगह वो लिखा हुआ और जगह जगह जहाँ गाइडेंस इंफॉर्मेशन रखी हुई है बोलें और लोगों से पूछें। दो आदमी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, दो आदमी बोल भी देंगे। तो जर्नी विल बी स्टार्टेड सून, वी आर गुड टू गो। सी यू एट टर्मिनल वन। वी आर एट मैरिट एयरपोर्ट टर्मिनल वन। तो चेक इन करना है सुबह 5 बजे ना, तो अभी काफ़ी टाइम है, यानी 5 घंटे हैं। तो सिलसिला ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करें ताकि मुस्लिम ट्रैवलिंग या मुसलमानों को ट्रैवल करने में आसानी हो। तो इधर टर्मिनल वन पे एक कॉमन प्रेयर एरिया है जिसको चैपल बोलते हैं ये लोग, जिधर हिंदू ईसाई कोई भी अपनी यानी इबादत करे, और प्रेयर एरिया है बस, वो मुसलमानों के लिए मख्तस नहीं है या इट इज़ नॉट रिज़र्व फॉर नमाज सबके लिए। तो ये यहाँ पर जहाँ भी आप देख रहे हैं स्क्रीन राइट हेयर, जब आप एंटर होंगे टर्मिनल वन में, तो टर्मिनल वन में आपने देखना है कि सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और उधर चैपल लिखा होगा और उधर एक स्टार अपना चांद बना हुआ होगा और ज्यूश वाला स्टार भी बना होगा, स्लीप भी बनी हुई होगी। जब आप सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगे तो एक काउंटर है, काउंटर पे 2 लोग बैठे हुए होते हैं या 3 लोग सिक्योरिटी वाले बैठे हुए होते हैं। फिर वो सिक्योरिटी वालों को आपने बताना है कि आपने चैपल जाना है। एक चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि आपने चैपल रात को 10:30 बजे से पहले पहुँचना है। अगर आप आ गए हैं, आपकी फ़्लाइट अर्ली है, कभी भी चेक इन ना कीजिएगा, बोर्डिंग दिखा के अंदर ना जाइएगा, वरना फिर बाहर निकल के आना पड़ेगा। अंदर कोई प्रेयर एरिया नहीं है, अंदर सिर्फ गेट्स हैं, गेट से आपने जहाज़ में बैठना होता है। अच्छा, अंदर लाउंज है, लाउंज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ यूरोप से इशू हुए हुए जो मास्टर कार्ड्स हैं उन्हीं का ही लाउंज पर एक्सेस होता है और बाकी जगह नहीं होता। तो ज़रूरी है कि अगर आपने नमाज़ पढ़नी है या आपने इबादत करनी है तो आप वहाँ चैपल पहले एक्सेस करें, सबसे पहले जाके अपनी जो भी नमाज़ पढ़नी है, जो काम करने वो कर लें, उसके बाद फिर जाएं अंदर और फिर बोर्डिंग दिखा के अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के फिर चेक इन कर जाएं।